इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले तमीज से, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं, जाहिर ही बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे अब्बा हारमोनियम? कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊंट के पीछे। क्या? अबे साले, जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, जब जाहिर हारमोनियम बजाएंगे तो किसी ना किसी के पीछे तो बजाएंगे ना, खातून के पीछे बजाते थे। खातून गाने गाती थी? खातून गाने गाती थी? खबरें पढ़ती थी, खबरें पढ़ती थी। क्या मतलब? साले जब तमीज से बात करे, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, भाई जाहिर है वो खातून के पीछे जब अब्बा हारमोनियम बजाते थे तो इसका मतलब यही है ना कि खातून गाती थी, ठुमरी गाती थी, गजले गाती थी। मशहूर थी? मशहूर थी? नहीं, खैर इतनी भी मशहूर नहीं थी, मशहूर थी लेकिन उनकी वजह शोहरत कुछ दूसरी थी। असल में उनकी गायकी की तारीफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी नहीं दिया, बल्कि पब्लिक के 8-10 लोगों ने उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया। उनमें मुझे यासीन भाई ने बताया कि एक नाम आपका भी था। फिजूल की बातें मत करे आप। तो मैंने कहा कि भाई जब आपका नाम है तो इस नाते से मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में आया, वरना मेरा इस प्रोग्राम में क्या ताल्लुक? आप फिजूल की बातें मत करे। आप करते हैं सियासी बातें। जो सवाल आपसे पूछा जाए केवल उसका ही जवाब दे, ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करे। जो अपने पे आई तो सुनी सुनाई हो गई। खैर, आजकल आप धुन बना रहे हैं। आजकल मैं धुन बना रहा हूँ, कौमी नगमे की धुन बना रहा हूँ। कौमी नगमे की धुन? नगमे, लेकिन धुन आ नहीं रही है। लिखा किसने है ये कौमी नगमे? लिखा किसने है ये कौमी नगमे? ये कौमी नगमा ये लिखा है तोहमत मुरादाबादी ने। तोहमत मुरादाबादी? मुरादाबादी कौन है ये? ये शायर है, रूस के सदर है, रशिया के सदर है तोहमत मुरादाबादी। क्या बातें कर रहे हैं आप साले? जब जाहिर एक आदमी जब शेर कह रहा है तो शायर ही होगा। तमीज से बात करे। दो दिन निकल जाता हूँ, तमीज से बात करे भाई, वो शायर है। हेलो फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।